नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल BMS ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चरक संहिता की सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे अध्याय 7 के बारे में चरक संहिता के, जिसका नाम है ना वेगांधार्य अध्याय। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि हमने तस्यशीति अध्याय और मात्राशीति अध्याय के बारे में बात की थी। मात्राशीति अध्याय नंबर 5 और तस्यशीति अध्याय नंबर 6, जिसमें हमने बात किया था कि हमें ऋतु के अनुकूल भोजन करना चाहिए और मात्रा के अनुकूल भोजन करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो इससे आपको बता दें कि मात्रा पूर्वक भोजन करने के बाद भी अगर जो हमारे शरीर में, देखो जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में दो भाग में विभाजित हो जाता है, वो भोजन प्रसाद भाग और किट भाग। प्रसाद भाग क्या करता है, धातुओं का पोषण करता है, और किट भाग क्या करता है कि शरीर से बाहर निकल जाता है। अगर किट भाग शरीर से बाहर ना निकले, मतलब जो मल है वो शरीर से बाहर ना निकले, तो उससे बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि मात्रा पूर्वक भोजन के साथ साथ हमें वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। वेगों के बारे में बात करें तो चरक ने 13 आधारणीय वेग बताया। आधारणीय वेग का मतलब वेग, इन वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। जब ये वेग आते हैं, इन वेगों को धारण करने से बहुत सारी व्याधियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं आधारणीय वेग के बारे में, जो हमें चरक संहिता में बतलाए गए हैं। अगर हम बात करें आधारणीय वेग के बारे में, तो 13 आधारणीय वेग हमें चरक संहिता में बतलाए गए हैं। सबसे पहले बात करें मूत्र, पुरुष, शुक्र, अपानवायु, वमन, शवतु, उद्गार। उद्गार का मतलब डकार, जिम्बा का मतलब जमाई, शुदा का मतलब होता है भूख, पिपासा का मतलब प्यास, अश्व का मतलब आंसू, निद्रा और श्वास। श्वास मतलब जो हम कोई भी मेहनत का कार्य करते हैं उसके बाद क्या होते हैं, हमारे जो श्वास होता है उसको नहीं रोकना चाहिए, उससे भी बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वाग्भट। देखिए, ये तो हमने बताया कि 13 बताया। वाग्भट के बारे में बात करें तो वाग्भट ने 14 बताए हैं। कैसे बताया, वाग्भट ने जो उद्गार, चरक ने जो उद्गार बताया उसकी जगह पर वाग्भट ने कास बताया, मतलब खांसी। और बात करें वात के बारे में, तो अपान वायु की जगह वाग्भट ने अधो वायु और उद्धर्व वायु, दो प्रकार की वायु बताई गई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चरक के अनुसार। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मूत्र वेग को रोकने से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो अगर हम बात करें तो मूत्र वेग को रोकने से होने वाले रोग कौन कौन से होंगे, बस्ती और लिंग में शूल होना, मूत्र क्रीच मतलब मूत्र का रुक रुक कर आना, सिर में वेदना मतलब सिर शूल होना, मतलब सिर में पेन होना। और हम बात करेंगे विनाम। विनाम का मतलब होता है जब हमारे पेन हो रहा है तो हमारे शरीर का झुक जाना, वक्षण प्रदेश में आना, मतलब स्कॉटम रीजन में पेन होना। अब हम बात करते हैं चिकित्सा के बारे में। तो अगर मूत्र वेग रोग लिया और ये सारे रोग उत्पन्न हो गए हैं तो हम कौन सी चिकित्सा करेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मूत्र वेग की चिकित्सा के लिए क्या करना चाहिए, स्वेदन, अभ्यंग, अभ्यंग का मतलब होता है मालिश, घी का अपीड़क लेना चाहिए, अपीड़क का मतलब बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में घी पिलाना चाहिए। तीन प्रकार की बस्तियाँ, तीन प्रकार की बस्तियाँ कौन सी होती है, उत्तर बस्ती, अनुवासन बस्ती और निरु बस्ती, जो हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आ चुकी हैं। अवगाहन, अवगाहन का मतलब होता है टब बात। ठीक है, तो हमें ये सारी चिकित्सा मूत्र वेग के रोकने से जो रोग उत्पन्न होंगे उनमें ये वाली चिकित्सा करनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पुरुष वेग के बारे में। पुरुष वेग को रोकने से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है, पकवाशे में शूल होता है, इंटेस्टाइनल जो रीजन होता है उसमें शूल होता है, सिर में शूल होता है। क्योंकि देखो जो अपान वायु क्या करती है, कार्य करती है मूत्र को, पुरुष के वेग को नीचे मतलब अधोमार्ग से निकालने का कार्य करती है। अब वो क्या होगा कि वो अपान वायु जो कर रही है वो अपना वर्क ढंग से नहीं कर रही है। जैसे कि हमने उस वेग को रोक लिया तो अपान वायु क्या करेगी, ऊपर जाएगी, जिससे हमें क्या होता है, सिर शूल होता है। तो ये चीज़ें हम रिलेट करके इनको लर्न कर सकते हैं। आदमान का मतलब होता है फ्लक्चुएंस। ठीक है, पेडी को डिस्टर्न का मतलब होता है कि जो हमारी
पिंडलियाँ होती है उनमें ऐठन हो जाती है, अपान वायु वह मल का रुक जाना। ठीक है, अपान वायु जब हम रोक लेते हैं उसी के कारण हमारे पुरुष का जो है वो वेग रुक जाता है। अपान वायु ही पुरुष और मूत्र को बाहर निकालने का कार्य करती है। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसकी चिकित्सा के बारे में। तो इनमें भी हमने कुछ कॉमन चिकित्सा के बारे में बात की थी। मूत्र में हमने क्या किया था, स्वेदन किया था, अवगाहन किया था, अभ्यंग किया था और भस्त्रीकरण भी किया था। तो इसमें भी वही कॉमन है, स्वेदन, अवगाहन, अभ्यंग और गुदा मार्ग में वर्ती रखना और भस्त्रीकरण। भस्त्रीकरण क्या होता है कि भाई भस्त्रीकरण कब दी जाती है, जब वात हमारा प्रकोपित हो जाता है। तो हमने क्या मतलब यहाँ पे भी अपान वायु को हमने रोक लिया, तो उस कारण हम क्या कर रहे हैं, भस्त्रीकरण कर रहे हैं और परमाथी अन्नपान का सेवन करवाना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं शुक्र वेग को रोकने से होने वाले रोग के बारे में। तो शुक्र वेग को रोकने से कौन कौन से रोग होते हैं, मेढ तथा वृषण में शूल होना, मतलब कि स्कॉटम में पेन होना, अंगमर्द मतलब सभी अंगों में पेन होना, हृदय में वेदना होना और मूत्र का रुक रुक कर आना। तो ये सारे शुक्र को वेगने से ये सारे रोग होते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी चिकित्सा के बारे में। तो इनकी चिकित्सा के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी चिकित्सा होगी वातनाशक तेलों का अभ्यंग करना, मतलब जो वातनाशक तेल है उनसे मालिश करना, तब बात करना, मदिरा पान करना, शाली चावल, दूध, मुर्गे का मांस ये सब भक्षण करना और क्या करना, निरुबस्ती करना। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, जिसमें हम बात करते हैं अपान वायु को रोकने से होने वाले रोग। अपान वायु को रोकने से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, वात विकार हो जाते हैं, मूत्र और मल रुकेगा। ऑब्वियस ही बात है, अपान वायु ही कार्य करता है मूत्र और पुरुष को निकालने का, और उधर में आदमान हो जाएगा मतलब पेट में फ्लक्चुएंस हो जाएगी, क्योंकि वो अपान वायु रुक जाएगी तो वो कहाँ रहेगी, हमारे उधर में रहेगी। ठीक है, कलम हो जाना मतलब शरीर में बिना मतलब कुछ भी कार्य किए बिना भी थकावट होना, उधर में पीड़ा होना मतलब उधर में पेन क्रिएट करेगी और बहुत सारे वात विकार करेगी। ठीक है, वायु है तो वात विकार ऑब्वियसली करेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी चिकित्सा के बारे में। तो इसकी चिकित्सा के बारे में अगर हम बात करें तो स्नेहन, स्वेदन, वस्ति, गुदावर्ती का प्रयोग और वात अनुलोमक औषध व अनुपान, मतलब वात अनुलोमक मतलब जो वात का अनुलोमन करे, मतलब जो अपान वायु है उसको अधो मार्ग से मतलब नीचे के मार्ग से निकाल दे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वमन। वमन का मतलब होता है वोमिटिंग। वोमिटिंग को जो वेग है उसको रोकने से कौन कौन से रोग होते हैं, जब हम वोमिट को रोक लेते हैं तो हमें कौन से होते हैं, कंडू का मतलब खुजली, कॉट, भोजन में अरुचि, पांडु का मतलब एनीमिया, व्यंग होता है एक ये स्किन डिजीजेज होती है, ज्वर, कुष्ठ, कुष्ठ भी स्किन डिजीज होती है और विसर भी स्किन डिजीज होती है, हल्लास का मतलब होता है नोजिया। ठीक है, तो ये सारे रोग हमें उत्पन्न होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चिकित्सा के लिए हमें क्या करना चाहिए, धूमपान करना चाहिए, रक्त मोक्षण स्किन डिजीजेस के लिए भी किया जाता है। तो क्या हो रहा है, पवन का वेग रोकने से हमें कौन कौन से विकार हो रहे हैं, स्किन डिजीजेज हो रही है, जिससे कि हमें रक्त मोक्षण करना चाहिए, उपवास कराना चाहिए, लंगन जिसे बोलते हैं, व्यायाम करवाना चाहिए और वृक्ष अन्नपान का सेवन करना चाहिए, और क्या कराना चाहिए, विरेचन करवाना चाहिए। विरेचन किस में करवाया जाता है, विरेचन हमारा पित्त में करवाया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बाद में हमें वस्ती दी जाती है, कफ में वमन करवाया जाता है और विरेचन पित्त में करवाया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो शक्तु के बारे में बात करें, इसे छींक बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मन्या स्तंभ का मतलब जो हमारी मन्या होती है वो उसमें जकड़ाहट आ जाती है, जिसे मैंडिबुलर बोलते हैं। सिर शूल के बारे में बात करें, सिर शूल हो जाता है मतलब सिर में पेन होता है। अर्दित का मतलब होता है फेशियल पैरालिसिस, ठीक है, फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। अर्धवाभेवक का मतलब हैमिक क्रैनिया हो जाता है, हाफ जो सिर में पेन बोलते हैं वो हो जाता है, और ज्ञान इंद्रियों में क्या होती है, दुर्बलता हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करें इसकी चिकित्सा के बारे में। तो इसमें क्या कराना चाहिए, जब हमने भोजन करा दिया तो उसके बाद हमें क्या कराना चाहिए, घृतपान कराना चाहिए। जत्रु का मतलब होता है गले के ऊपरी भाग, जो ENT बोली जाती है वो जत्रुगत रोगों की चिकित्सा होती है। ठीक है, तो जत्रु के ऊपरी भाग में वातनाशक तेलों का अभ्यंग कराना चाहिए। अब हम बात करते हैं उद्गार के बारे में। उद्गार का मतलब होता है डकार। इसके बारे में बात करें तो वेग धारण करने से कौन कौन से रोग होते हैं, हिचकी,
श्वास, भोजन में अरुचि, कंपन होना, हृदय व छाती में जकड़ाहट हो जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी चिकित्सा के बारे में। तो इसकी चिकित्सा जो हिचकी की चिकित्सा की जाती है वही इसमें चिकित्सा की जाती है। ठीक है, हिचकी के समान इसमें चिकित्सा की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं चिरिम्बा के बारे में। चिरिम्बा का मतलब होता है जमाई। तो इसको रोकने से कौन कौन से रोग होते हैं? विनाम, विनाम का मतलब क्या होता है कि शरीर का जब शूल होता है या पेन होता है पीड़ा के टाइम पर झुक जाना। ठीक है, आक्षेप, संकोच होना मतलब कि कन्वुलसन होना, आक्षेप, हाथ पैरों में कंपन होना और शरीर में शून्यता होना, मतलब शरीर का जो है बिल्कुल ऐसा लगना कि शरीर में कोई ताकत है ही नहीं। और इसकी चिकित्सा कैसे की जाती है? वातनाशक औषधियाँ इसमें दी जाती हैं, इसमें चिरिम्बा में। अब आप बात कर लेते हैं शुदा मतलब भूख का वेग धारण करने से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमें क्या होगी? कृष्णा उत्पन्न होगी, दुर्बलता होगी, शरीर का वर्ण परिवर्तन हो जाएगा, मतलब कृष्ण वर्ण का हमारा शरीर होता जाएगा, वात दोष प्रकोपित हो जाएगा, अंगों में वेदना होगी, भोजन में अरुचि होगी और हमें क्या होगा? चक्कर आने लगेगा। ठीक है, तो इसके बारे में चिकित्सा करेंगे, हमें क्या करेंगे? स्निग्ध और उष्ण भोजन जो है वो हित कर रहता है, क्योंकि वात दोष प्रकोपित होगा। और वात का गुण क्या होता है? शीत होता है, रुक्ष होता है। शीत और रुक्ष के अपोजिट हम चिकित्सा कर देंगे, स्निग्ध और उष्ण भोजन दे देंगे। ठीक है भाई, आगे हम बात कर लेते हैं पिपासा के बारे में। तो पिपासा के बारे में बात करें तो प्यास का वेग रोकने से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? तो अगर हम प्यास रोकेंगे तो क्या होगा कि हमारा गला सूखने लग जाएगा, मुख सूखने लग जाएगा, बहरापन हो जाएगा, थकावट होगी, अवसाद होगा, डिप्रेशन होगा और हृदय में पीड़ा होगी। इसकी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं? जो शीतल शीतल द्रव्य है उनका पान करा सकते हैं, तर्पण क्रिया कर सकते हैं, तो इसकी चिकित्सा होगी ये। अब हम बात कर लेते हैं आंसू का वेग धारण करने से, वाष्प का वेग धारण करने से क्या होगा? जुखाम हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्रतिशाए, नेत्र रोग हो गए, हृदय में रोग होगा, भोजन में अरुचि होगी और सिर में चक्कर आने लगेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी चिकित्सा कैसे कराई जाएगी। तो रोगी को शयन करा दिया जाएगा, मदिरा पान करा दिया जाएगा और प्रिय लगने वाली कथाएं सुनानी हितकर होगी। अब हम बात कर लेते हैं निद्रा का वेग रोकने से क्या क्या होगा। निद्रा का वेग रोकने से हमें क्या क्या होता है? बार बार जमाई आती है, अंगों में पीड़ा होती है, तंद्रा का मतलब थकावट होती है, सिर में वेदना होती है और नेत्र ऐसे लगते हैं जैसे कि काफ़ी ज़्यादा इनमें भारीपन है। तो हम बात कर लेते हैं निद्रा का वेग रोकने पर हम क्या करेंगे? उसको शयन करा देंगे और हाथ पैर दबा देंगे। अब हम बात कर लेते हैं श्रमजन्य श्वास, मतलब हमने कोई भी मेहनत का कार्य करा जिससे हमें श्वास उत्पन्न हुआ, उसको हमने धारण कर लिया, तो उससे क्या क्या होंगे? गुलम हो गए। तो गुलम कब होता है? जब वात दोष प्रकोपित हो जाता है, यह एक वात दोष के कारण ही होने वाला रोग है। हृदय रोग होगा और मूर्छा होगी। ठीक है, इसकी चिकित्सा कैसे होगी? उसको विश्राम करवा देंगे और वातनाशक आहार विहार करा देंगे। अब हम बात कर लेते हैं धारणीय वेग के बारे में, जिन्हें हमें धारण करना चाहिए। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि अधारणीय वेग, जिन्हें हमें नहीं धारण करना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं धारणीय वेग के बारे में। तो धारणीय वेग जो मन वाले वेग है, जो मानसिक वेग है, जो हमें धारण करने चाहिए, वो कौन कौन से होते हैं? लोभ, शोक।